सुबह सुबह मुझे कौन सा फौजी बनकर मोर्चे पर जाना है? अरे मोर्चे सिर्फ फौजियों के लिए नहीं होते। मैं चाहता हूँ तू इतना बड़ा आदमी बने, इतना बड़ा आदमी बने कि लोग कहे देखो देखो रघुवीर वर्मा का बड़ा भाई रवि वर्मा जा रहा है जहाँ आने वाले कल के सपने संजोया करते थे। ये वही जगह है जहाँ तू नेशनल हीरो बनने की बातें किया करता था। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आज मैं यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाने आया हुआ हूँ एक फिल्म जो 1995 में आई थी जिसका नाम था रघुवीर। दोस्तों फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी हैं और उनके बड़े भाई जो दिखाए गए हैं जो सुरेश ओबेरॉय हैं वो दोनों यहाँ से भागते हुए आते हैं। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हो इसी रोड से वो जॉगिंग करते हुए आते हैं और यहाँ पर आके रुक जाते हैं इस जगह पर। और उनके बड़े भाई बोलते हैं क्या हुआ, तो सुनील शेट्टी बोलते हैं भैया मैं अब थक चुका हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। तो दोस्तों ये वो ब्रिज है जहाँ पर सुनील शेट्टी सर के बड़े भाई उनके लिए सपने देखते हैं कि एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा, मेरा भी नाम होगा, और वो अपने भाई के लिए अच्छा सोचते हैं। तो ये वो शहर है, ये वो ब्रिज है जहाँ पर सुनील शेट्टी ने अपने लिए सपने देखे हैं रघुवीर फिल्म के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब सुनील शेट्टी सर भागते हुए आते हैं तो उनके पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप ब्लू कलर की, ये बिल्डिंग दिखती है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग के सामने भी बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं, बहुत ही ग्रीनरी हो चुकी है। वो टाइम पर पूरा खाली खाली देखने के लिए मिल रहा था। अगर आप देखें तो ये जो आप डिवाइडर देख रहे हो दोस्तों, ये पहले डिवाइडर था लेकिन ये डिवाइडर ऐसा था जैसा ये फुटपाथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। वो टाइम पर डिवाइडर आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो कि डिवाइडर पर ग्रीनरी नहीं लगा हुआ था, लेकिन आज हम फिल्म के हिसाब से 27 साल बाद यहाँ पर हैं और देख पा रहे हैं कि डिवाइडर को ऊंचा कर दिया गया है, डिवाइडर पर ग्रीनरी लगा दी गई है, जो बहुत ही अच्छा काम है। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में एक भी पेड़ लगा देते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आप मेरे ऊपर देख सकते हो, ये पेड़ के नीचे मैं जानबूझ के खड़ा हुआ हूँ जिससे कि मुझे धूप ना लगे, जिससे कि मुझे छाया मिले और मुझे यहाँ पर खड़े होने में अच्छा लगे। आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे धूप है, तो सोचो जिसने ये पेड़ लगाया होगा कितना अच्छा काम किया होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म के बहुत सारे सीन रिकॉर्ड जब किए गए थे तो कुछ सीन यहाँ से लिए गए थे। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर आपको बताते हैं कि दोस्तों कुछ सीन यहाँ से रिकॉर्ड किए गए थे ये डिवाइडर पर, और आदिल भाई अगर आप दिखाएंगे तो डिवाइडर बहुत चेंज हो चुका है। पहले जो स्क्रीन शॉट में हमको डिवाइडर दिख रहा है ये डिवाइडर वैसा नहीं है। आज हम यहाँ पर फिल्म के हिसाब से करीब 27 साल बाद हैं। दोस्तों 27 साल में ये बिल्डिंग जो डायरेक्ट दिखती थी आज भी डायरेक्ट ही दिख रही है, लेकिन आज इसके सामने काफ़ी ग्रीनरी चमक रही है। दोस्तों वो इधर खड़े रहते हैं और उनको समझाते हैं सुनील शेट्टी को बड़े भाई होने के नाते कि भाई मैं चाहता हूँ तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, भाई मैं चाहता हूँ एक दिन तू बहुत बड़ा नाम रोशन करे। दोस्तों हर किसी का बड़े भाई अपने छोटे भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही चाहते हैं कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं। चलिए दोस्तों, तो जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो इसको जूम करके दिखाया गया था। अगर आज हम ये बिल्डिंग जो आपको दिखा रहे हैं ये आज भी वही विंडो है, ये वही जाली है, ये वही कलर है, मतलब 27 साल के बाद भी बिल्डिंग का कलर चेंज नहीं हुआ है। हाँ, आजू बाजू में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये बिल्डिंग आपको पहले देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन ये आज बिल्डिंग यहाँ पर हमको दूसरी भी देखने मिल रही थी। तो दोस्तों 27 साल पहले यहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे रघुवीर फिल्म के। इसी बिल्डिंग को दिखाया गया था जो दूसरे कलर में थी, वो टाइम पर रेड कलर का बॉर्डर था और अभी हम ब्लू कलर का बॉर्डर देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हो आदिल भाई? कुछ नहीं यार, देख रहा हूँ सिस्टम देखो कितना अच्छा है कचरा रोकने का। अच्छा ये गटर, दोस्तों आदिल भाई देख रहे हैं ये गटर। अगर आप देखेंगे इधर तो एक बड़ा सा नाला है जहाँ पर
कचरे को साइड में लिया जा रहा है, मतलब उधर से जो बस्ती का कचरा आ रहा होगा उधर इन लोगों ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है जो पूरा देखो मशीन भी लगा के रखते हैं। हाँ, ये कचरा ऊपर से चढ़ाने के लिए, मतलब कि पहले उधर से जो कचरा आ रहा है उसको ये लोग ऐसा एक साइड में ले रहे हैं और फिर यहाँ से इस बार के ये मशीन के ऊपर कचरा ऊपर पहुँचाया जा रहा है और वो कचरा फिर क्रेन के थ्रू ट्रक में डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये नाला जो है ये शहर का नाला है जहाँ से मुंबई बस्ती में से जो भी कचरा डाल देते होंगे और ये साइड में ये कचरा समंदर में चले जाता है, खाड़ियों से होते हुए समंदर की ओर चला जाता है। तो जिससे कि समंदर में कचरा ना जाए उस हिसाब से इस जगह को साफ सुथरा किया जा रहा है। आदिल भाई, ये आइडिया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा ये आइडिया और मैं तो बोलता हूँ ये ऐड करना वीडियो में कि इससे कि पब्लिक को मालूम पड़े। बिल्कुल, स्वच्छ भारत हो रहा है। बिल्कुल, तो भाई ये हमारा वीडियो का हिस्सा ही है, ये पार्ट भी है। हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि एक अच्छी टेक्निक, हाँ बराबर भाई, जितना गंदगी एक्चुअली हम लोग ही करते हैं, अगर हम ही ना करें सब लोग अपने आप में ही सुधर जाएं तो बहुत सफाई हो जाएगी। आदिल भाई, ये जगह कैसी लगी इतने टाइम के बाद देखने के बाद, जिसको हम एक लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे? बहुत अच्छी है, लेकिन आप कब से ढूंढ रहे थे मुझे बताओ। भाई मैं तो इसको सच्ची बताऊं तो करीब 7 महीने से ढूंढ रहा था। 7 महीने? हाँ, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं गुजर चुका था। सबर का फल मीठा होता है। हाँ, हमने सबर किया है और हमको ये जगह मिली है फाइनली। ये जगह को, इस बैकग्राउंड को मैच कर सकते हो स्क्रीनशॉट के हिसाब से। दोस्तों उसी फिल्म के अंदर फिर एक दूसरा सीन होता है जहाँ पर वो लोग जीप से आते हैं, जो सुरेश ओबेरॉय हैं सुनील शेट्टी सर से बात करते हैं। फिल्म के अंदर उनको दिखाया गया है सुनील शेट्टी का बड़ा भाई, और यहाँ पर आके बताते हैं कि आज हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर पहले तुम सपने देखा करते थे एक बड़ा इंसान बनने के, जहाँ पर मैं सपने देखता था तुमको एक बड़ा इंसान बनाने का, आज क्या हो गया है तुमको। तो जब वो ये सारी बातें करते हैं तो उनके पीछे ये बिल्डिंग दिखती है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, और दोस्तों ये ब्रिज जो आप हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये ब्रिज देख रहे हो, ये वाले ब्रिज का डिज़ाइन आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो। दोस्तों 27 साल में काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज भी ये ब्रिज वैसा ही है जैसे 27 साल पहले था। लेकिन ये जो रेलिंग आप देख रहे हो, इसको फुटपाथ को अलग कर दिया गया है चलने के लिए, जो लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ये पहले नहीं थी। पहले ये रेलिंग ये दोनों साइड में लगा हुआ है, भी उधर भी और इधर भी, लेकिन ये रेलिंग वो टाइम पर नहीं थी। तो दोस्तों ये वही लोकेशन है, ये वही ब्रिज है जहाँ पर अब से 27 साल पहले रघुवीर फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये वही रोड है जहाँ पर सुनील शेट्टी दौड़े थे सुरेश ओबेरॉय के साथ में, जो उनके बड़े भाई दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये जगह आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे ये लोकेशन की तलाश बहुत टाइम पहले से थी और मैं चाहता था ये लोकेशन मैं ढूंढ लूँ। काफ़ी बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ बाइक से, एक्टिवा से, लेकिन समझ नहीं पाया था। लेकिन फाइनली आपके प्यार की वजह से ये जगह मिल चुकी है। और दोस्तों अभी कमेंट भी किया था एक भाई ने कि फहीम भाई वो वीडियो बनाओ, और हमने आपको वो वीडियो बना के दिखाया। गाइज मुझे पूरी उम्मीद है ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लव, फॉर कमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। गाइज लव यू सो मच।